सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, तर्क संग्रह, लेखक श्री मदन्नम भट्ट को पढ़ रहे हैं। इसकी आज तक हमने आपको 7 कक्षाएं पढ़ा दी हैं, 7 कक्षाएं। ये न्याय दर्शन संबंधी ग्रंथ है, न्याय वैशेषिक दर्शन का प्रवेश ग्रंथ है, आप सभी को बताया है। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया तर्क संग्रह, कोई भी पाठक निःशुल्क संपूर्ण तर्क संग्रह को इस देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और जिन भी पाठकों को ये पुस्तक चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, पुस्तक आपको ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाएगी। तो कक्षा 8 को मित्रों आज पढ़ेंगे, 7 कक्षा मैंने पढ़ा दी आपको, 8वीं कक्षा आज पढ़ेंगे, निरंतर ये पाठ चल रहा है आपका, ठीक। तो तर्क संग्रह में मूल मूल में हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार, अभी तक हमने पूरा इस तर्क संग्रह का जो उद्देश्य प्रकरण था, उद्देश्य प्रकरण वो कंप्लीट कर लिया, कर लिया। उद्देश्य प्रकरण की एक बार आवृत्ति कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान में रहनी चाहिए उद्देश्य प्रकरण की, तभी हम आगे ठीक से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। सबसे पहले तो हमने आपको ये श्लोक पढ़ाया था मंगलाचरण का, श्री मदन भट्टम भट्ट जी का, निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरु वंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। श्रीमदन्नम भट्ट जी महाराज जी कहते हैं कि भाई, निधाय हृदय विश्वेशम, परम पिता परमेश्वर को, विश्व के ईश को, स्वामी को, उस परम सत्ता को मैं हृदय में धारण करके, मन हृदय में चिंतन करके, आत्मचिंतन करके, गुरु वंदनम विधाय, और अपनी जो गुरु परंपरा में जो गुरुजन हुए हैं, जिनसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, उस श्रृंखला में जितने भी गुरु हुए उन सभी को वंदना करके, विधाय माने उनको नमस्कार करके, प्रणाम करके, धारण करके, कहते हैं बाला नाम सुखबोधाय, जो जिन्होंने व्याकरण शास्त्र तो पढ़ लिया है परंतु अभी उनका न्याय में प्रवेश नहीं हुआ है, काव्य शास्त्र पढ़ लिया है आदि आदि परंतु न्याय शास्त्र में प्रवेश नहीं हुआ है, ऐसे उन अबोध बालक पाठकों के लिए सुख पूर्वक उनको ज्ञान हो जाए, इसलिए क्रियते तर्क संग्रह, ये तर्क संग्रह नाम का ग्रंथ में निर्माण कर रहा हूँ। ये परमपिता परमेश्वर आप उसको पूरा कर देना, कर ही दिया उनका पूरा ये मैंने आवृत्ति करा दी। फिर आगे उद्देश्य प्रकरण हमारा आरंभ हो गया था, उद्देश्य प्रकरण में हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक मोटा मोटा देख लेते हैं। यहाँ पर उद्देश्य प्रकरण में श्रीमदन्नम भट्ट जी कहते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाह सप्त पदार्थ, संसार के सभी पदार्थों को 7 विभागों में बांट दिया, कहा कि गिन तो सकते नहीं, अनंत है, तो उनको 7 कैटेगरी में बांट दिया, कहा 7 पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, पढ़ा था विस्तार से, समझा दिया है आपको, ठीक है। तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप् तेजो वायुवाकाश काला काल दिगात्म मनांसि नवैव, तत्र इनमें 9 में से क्या है, द्रव्य कितने, द्रव्य के भेद गिना रहे हैं, द्रव्य 9 हैं, पृथ्वी और अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन, ये 9 क्या है, द्रव्य हैं। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा वेश प्रयत्न धर्मा धर्म संस्काराश चतुर्विंश तिर्गुणाः, और दूसरा पदार्थ गुण है, गुण के भेद बता दिए कितने, 24।
कौन कौन से वो आपके सामने, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार। ये क्या गिन दिए, ये 24 हो गए, हमने पढ़ा दिए आपको, ठीक है। उद्देश्य में नाम गिना दिए हैं, समझाए, ठीक है। फिर आता है गुण के बाद में कर्म आता है, तो कर्म कितने हैं, उत्क्षेपणा क्षेपणा कुंचन प्रसारण गमनानि पंच कर्माणि। कर्म के 5 वेद गिना दिए महाराज जी ने, का उत्क्षेपण अपक्षेपण, उत्क्षेपण ऊपर फेंकना, अपक्षेपण नीचे फेंकना, और आकुंचन माने सुकड़ना, प्रसारण माने फैलना, गमन माने गति। 5 प्रकार की कर्म गिना दिए। परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम, और जो सामान्य था आपका 4, उसके 2 भेद गिना दिए, परम और अपरम। नित्य द्रव्य वित्तयो विशेषास्तु अनंता एव, और विशेष सामान्य का विशेष, विशेष को कहा ये नित्य द्रव्यों में रहने वाले हैं और इनकी संख्या अनंत है, कोई गिनती नहीं है। तो आगे और विस्तार से समझेंगे, बाकी समझा दिया था। समवायस्तु एक एव, समवाय तो एक ही होता है, जो नित्य संबंध होता है वो तो एक ही होता है, उसका भेद नहीं है। अभावश चतुर्विधा प्राग अभाव, माने प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, अत्यंत अभाव, अन्योन्य अभाव च इति, अलग तोड़ के पढ़ दिया इसको, ऐसा पढ़ना चाहिए। अभावश चतुर्विधा प्राग अभाव प्रध्वंसा भावो अत्यंता भावो अन्योन्यान भावश्चेति। कहा कि अभाव सातवां पदार्थ, अभाव आपका वो 4 प्रकार का होता है, एक प्राग अभाव, एक प्रध्वंस अभाव, एक अत्यंत अभाव और एक अन्योन्य भाव। ये भी समझा दिया है थोड़ा थोड़ा, बस इतना पढ़ लिया जी, ठीक है। ये तो आवृत्ति कराई दी मैंने आपको, ठीक है। इतना हमने उद्देश्य प्रकरण में आज तक पढ़ा दिया है, इसको ध्यान में रखना है जी, आपको ध्यान में रखना है। हम बीच बीच में आपकी आवृत्ति कराते रहेंगे। द्रव्य पदार्थ कितने होते हैं, 7 होते हैं। द्रव्य कितने होते हैं, 9 होते हैं। फिर गुण कितने होते हैं, 24 होते हैं। कर्म कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। और ये आपका सामान्य कितने होते हैं, 2 होते हैं, पर अपर, ठीक है। विशेष कितना होता है, अनंत होते हैं, इनकी संख्या नहीं है। समवाय कितना होता है, 1 होता है। अभाव कितने होते हैं, 4 होते हैं, बस मोटा मोटा। अब आगे की बात करें, यहां पर आपके सभी के हितार्थ, ये जो तर्क संग्रह है इसको कैसे पढ़ना चाहिए हमें, तो पढ़ना तो आरंभ ही कर दिया, परंतु इस पर तर्क संग्रह की जो हिंदी टीका है, इस पुस्तक के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। हिंदी टीकाकार हैं गोविंदाचार्य शर्मा जी, बहुत बड़े आचार्य, अच्छे आचार्य, बहुत बड़े वैयाकरण हैं और न्याय दर्शन के भी अच्छे ज्ञाता हैं। उनकी कुछ पंक्तियां हैं पाठकों के लिए, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, ठीक है। यदि आपके पास में पुस्तक है तो आप अपने पुस्तक में अपने आप पढ़ लीजिएगा, अन्यथा मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि महाराज जी पाठकों को क्या निवेदन कर रहे हैं, ठीक है, देखिएगा। देखिएगा यहां पर कह रहे हैं महाराज जी, अब माने अब इतना पढ़ लिया, अब इसके आगे लक्षण प्रकरण आरंभ होगा, उद्देश्य प्रकरण, लक्षण और परीक्षा। तो अब क्या इसके आगे कौन सा प्रकरण आरंभ होगा, लक्षण प्रकरण, ठीक है। अब ये जो बातें बता दिए हैं इनके लक्षण बताएंगे, इनकी परिभाषाएं बताई जाएंगी कि इनको पहचाने कैसे, ठीक है। 7 पदार्थ एवं उनके अवांतर भेदों के लक्षण बताए जाएंगे, ठीक है। किसी भी शास्त्र को पूर्णतया समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं,
किसी भी शास्त्र को पूर्णतया समझने के लिए सर्वप्रथम गुरुमुख से श्रवण करना चाहिए। अब गुरुमुख से अब हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि गुरु के सामने बैठ करके गुरुमुख से श्रवण करना चाहिए। ये जो आवाज है यही गुरुमुख है एक तरह से, ठीक है। तो गुरुमुख माने गुरु की आवाज, गुरु के जो भाव शास्त्र को समझाने के, वो गुरुमुख से पढ़ना चाहिए। तो आप सभी गुरुमुख से ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या करना है, गुरु मैं आपको पढ़ाता हूं, फिर कहते हैं उसके बाद पाठक को स्वयं मनन करना चाहिए शास्त्र के, पढ़ाया है गुरु ने उस पर स्वयं मनन करना चाहिए कि भाई क्या उलट पुलट तो नहीं पढ़ा दिया गुरु ने, ठीक है। मनन करना चाहिए, निरंतर स्वाध्याय करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं जो पढ़ा और एक दिन चिंतन कर लिया, मनन कर लिया, छोड़ दिया, नहीं, निरंतर उस पर स्वाध्याय करना चाहिए, तब समझ में आता है शास्त्र, केवल एक बार में नहीं आ जाता, ध्यान रखेंगे। मूल पाठ का नित्य पारायण करना चाहिए, ये मैंने आपके लिए वीडियो एक बना दी है इसकी पूरे की, मूल पाठ की, उसको अवश्य सुनते रहें। गुरु जी यहाँ पर ये गोविंदाचार्य शर्मा जी आचार्य जी यही कह रहे हैं कि पाठकों को ये जब तक पढ़े तब तक इसका मूल पाठ प्रतिदिन एक बार पुस्तक में देख करके इसकी आवृत्ति अवश्य करते रहें। मैंने वीडियो बना दी आपके लिए, ठीक है। अपने से छोटों को पढ़ाते रहना चाहिए, अपने बराबर के साथियों से वाद संवाद करते रहना चाहिए शास्त्र को समझने के लिए। पढ़ते समय भी आप अपने आसपास से जो आपसे ज्ञान में कम है उनको अवश्य पढ़ाते रहें, जो आप जानते हैं पढ़ रहे हैं या पढ़ लिया है, ठीक है, तब ज्ञान में वृद्धि होती है। और जो अपने समकक्ष ज्ञान वाले व्यक्ति हैं उनके साथ में क्या है, वाद संवाद विषय पर करना चाहिए, तर्क वितर्क करना चाहिए, ठीक है। अपने गुरुजनों के समक्ष सर्वदा जिज्ञासा भाव रखना चाहिए, ऐसा नहीं गुरुजी की परीक्षा लेने के लिए उल्टे सुलटे प्रश्न पूछने लग जाएं, ऐसा नहीं। जिज्ञासा भाव, जिसको आप नहीं समझ पा रहे हैं, जिसको नहीं जानते हैं, उसको जानने की इच्छा लेकर के गुरुओं के सामने प्रश्न करना चाहिए, शंका करनी चाहिए, ये शिष्टाचार में आता है। और कहते हैं ये हो गया, ठीक है, बस इतना ही करना है आपको, इतना काफी है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब आज के बाद में हमारा लक्षण प्रकरण आरंभ हो रहा है, ठीक, ध्यान रखेंगे जो महाराज जी ने बातें बताई हैं उनको हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अब आ रहा है हमारा अथ लक्षण प्रकरणम, चलिएगा जी। तत्रादौ द्रव्य निरूपणम्, कहते हैं तत्र माने उन जो उद्देश्य प्रकरण में हमने नाम गिने उनमें से, आदौ माने आदि में, माने सर्वप्रथम प्रारंभ में, द्रव्य निरूपणम्, द्रव्य का निरूपण करेंगे, द्रव्य पर विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, चिंतन करेंगे, तर्क करेंगे, ठीक है। सबसे जो सप्त पदार्थ थे उनमें सबसे पहले क्या था, द्रव्य था, ठीक है, तो द्रव्यों को बताएंगे। पदार्थ मैंने आपको बताया, बता दी दिया था कि संसार के समस्त दृश्य अदृश्य सूक्ष्म स्थूल सभी चेतन अचेतन सभी क्या है, पदार्थ है, माने उनके लिए कोई न कोई पद है, कोई न कोई शब्द है, उन शब्दों के वो अर्थ है। श्रवण कुमार ना, श्रवण कुमार शब्द का अर्थ क्या है, ये पिंड, या जिसका भी नाम श्रवण कुमार है, ये बता दिया था, ठीक है। तो कहते हैं अब द्रव्य पर चिंतन करेंगे, द्रव्य आपको गिना दिए थे, द्रव्य नौ है, पृथ्वी अप तेजो वायु आदि, उन पर विचार करेंगे, ठीक है। तत्र च पृथ्वी निरूपणम्, अब उन द्रव्यों में से क्या है, पहला द्रव्य क्या है, पृथ्वी, तो पृथ्वी का निरूपण करेंगे, विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, आइएगा।
श्रीमद अन्नम भट्ट जी महाराज कहते हैं तत्र गंधवती पृथ्वी, कहते हैं तत्र माने उन नौ द्रव्यों में क्या है जो पृथ्वी है, पृथ्वी का लक्षण क्या है, गंधवती, समझिएगा ये क्या है, यहां पर पृथ्वी क्या है, लक्ष्य ध्यान दीजिएगा, और गंधवती क्या है, ऐसे लक्षण, ठीक है, ये तो लक्ष्य है, इसका लक्षण बताया, जिसका लक्षण बताया जाता वो लक्ष्य हो जाता है, या लक्ष्य किसका बताया जा रहा, पृथ्वी का। तो कहते हैं पृथ्वी, पृथ्वी को हम कैसे पहचाने कि ये पृथ्वी है ये और पृथ्वी नहीं है, तो कहते हैं पृथ्वी का लक्षण है गंधवती, गंध से युक्त पृथ्वी होती है, जिसमें गंध नहीं होती वो पृथ्वी नहीं, यदि पृथ्वी है पार्थिव भाग है तो उसमें गंध अवश्य होगी, समवाय संबंध से, नित्य संबंध से, आगे बढ़ेंगे। क्या कहा, तत्र गंधवती पृथ्वी, मोटा सा लक्षण दे दिया, कह रहे थे मोटा सा लक्षण, और अभी इसको पढ़ेंगे फिर विस्तार, इसका बहुत विस्तार करना पड़ेगा तब ये वास्तव में समझ में आएगा, क्योंकि ये ग्रंथ नव्य न्याय में भी प्रवेश करने के लिए और प्राचीन न्याय में भी प्रवेश करने के लिए, ठीक है, इसका मोटा मोटा अध्ययन होता है प्राचीन न्याय में प्रवेश करने के लिए, इसका गूढ़ अध्ययन होता है नव्य न्याय में प्रवेश करने के लिए, ठीक है। तो कहते हैं साद्विविधा, जो वो पृथ्वी है उसके भी भाग कर रहे हैं भाई, उसके विभाग कर रहे हैं, वो दो प्रकार की है, लक्षण गंधवती तो हो गए, लक्षण हो गया, कह रहे हैं जो सामान्य वह पृथ्वी द्विविधा, दो प्रकार की है ये। बहुत सारे लोगों को पहले शंकाएं हो रही थी, उन सारी शंकाओं का निदान अभी अपने आप करते जाएंगे। हमने कहा पृथ्वी, लोग कह रहे घड़ा तो पृथ्वी है ही नहीं, ठीक है, घड़ा किसमें जाएगा, तो ये समाधान देंगे आपको, पट किसमें जाएगा, ये समाधान देंगे भाई, पट इसमें आएगा। सात द्विविधा वह पृथ्वी दो प्रकार की है, कौन कौन सी है, कहते हैं नित्या अनित्या च, एक पृथ्वी है नित्य और एक है अनित्य, ऐसा मत समझना कि ये वाली पृथ्वी तो नित्य है और कोई दूसरी पृथ्वी अनित्य है, ऐसा नहीं इसी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ये पृथ्वी दो प्रकार की है, एक है नित्य और एक है अनित्य, नित्य का अर्थ होता है कभी नष्ट नहीं होती वो चीज, उसको नित्य बोलते हैं, अनित्य माने जो उत्पन्न माने नष्ट होती रहती है फिर बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, वो अनित्य होती है, जैसे गढ़ा होता है, मिट्टी मानिएगा मिट्टी है, मिट्टी को गूंदा लौंदा बनाया उसका गढ़ा बना दिया, गढ़े को तोड़ करके फिर उसको पानी मिला करके मिट्टी का लौंदा बनाया, फिर उससे हमने ढक्कन बना दिया, ढक्कन को भी तोड़ा और फिर उसको पीस दिया और पानी डाला, फिर उसका लौंदा बना दिया मिट्टी का, फिर उससे हमने कुछ और खिलौने बना दिए बच्चों के, तो ये क्या हो गया, अनित्य हो गया, ये कभी मिट्टी वो गढ़ा थी, कभी वो ढक्कन बन गई, कभी वो बच्चों का खिलौना बन गई, तो ऐसे ही अभी समझाएंगे। तो कहते हैं नित्या अनित्या च, दो प्रकार की है, एक पृथ्वी नित्य है और एक अनित्य है। कहते हैं नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा, तो कहते हैं भाई वो दो प्रकार की कौन सी पृथ्वी है गुरुदेव बताओ, तो श्रीमद अन्नम भट्ट जी कहते हैं ठहरो ठहरो बता रहे हैं, तो कहते हैं नित्या परमाणु रूपा, ये जो पृथ्वी तत्व है पृथ्वी, इसका जो अंतिम
पार्ट जिसको परमाणु बोलते हैं, अर्थात पृथ्वी के हम जो पृथ्वी को पीसते हैं जो उसका अंतिम कण होगा, जिसका पार्ट नहीं हो सकता, जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता, फिर तो वो अंतिम टुकड़ा, सूक्ष्म टुकड़ा, उसको बोला गया परमाणु। ये परमाणु की परिभाषा भी बता देंगे आपको, ठीक है, धीरे धीरे। तो कहते हैं परमाणु रूप में तो पृथ्वी क्या है, नित्य है। परमाणु पृथ्वी के परमाणु कभी भी नष्ट नहीं होते, वो हमेशा बने रहते हैं। ये न्याय दर्शन का मत है, ध्यान दीजिए। न्याय दर्शनकार कहते हैं कि जो पृथ्वी के परमाणु हैं वो कभी नष्ट नहीं होते। तो जो पृथ्वी है परमाणु रूप में तो क्या है, वो नित्य है, उसके परमाणु बदलते नहीं है। घड़ा बनाने के बाद भी परमाणु अपने रूप में ही रहते हैं मिट्टी के, और घड़ा तोड़ने के बाद भी मिट्टी के परमाणु अपने उसी रूप में रहते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। दूसरा कहते हैं अनित्य, अनित्य कार्य रूपा, जो कार्य रूप है परमाणु से आगे जब वो कार्य रूप में आती है, माने परमाणु जब आपस में मिलकर के संसार के प्राणियों के लिए उपयोग में आने वाले के आने के योग्य बन जाते हैं, उस रूप में वो पृथ्वी क्या है, अनित्य है। परमाणु क्या है, परमाणु इकट्ठे होते हैं, 6 परमाणु इकट्ठे हो गए हैं, या 2 परमाणु इकट्ठे हो गए तो फिर द्विअणुक बन गया, फिर तीसरे अणु बन गया, फिर ऐसे से, फिर क्या है, परमाणु क्या होता है, वो इन चक्षुओं से इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है, आंखों से परमाणु को नहीं देख सकते हैं। ये पृथ्वी तत्व, पृथ्वी दिख रही है, पृथ्वी का भाग है, पार्थिव है, ये पृथ्वी दिख रही है, ये परमाणु रूपा नहीं है, ये कार्य रूपा है। तो परमाणु के बाद में जो कुछ उपयोग के लिए तैयार होती है, जो उस परम सत्ता की तीक्ष्ण शक्ति के माध्यम से, वो कैसी होती है, अनित्य पृथ्वी। जैसे ही आपको ये पृथ्वी पिंड दिख रहा है, एक ग्रह दिख रहा है, ये प्रलय अवस्था में नष्ट हो जाएगा, इस आकार में नहीं रहेगा, ये कार्य रूपा पृथ्वी है। वही कहते हैं अनित्य कार्य रूपा, जो कार्य रूप पृथ्वी होती है वो अनित्य होती है, वो बनती बिगड़ती रहती है। आप देखिए और समझा रहे हैं सरलता से, वो कार्य रूप कैसी होती है उसी को बता रहे हैं। नित्या को तो बता दिया परमाणु रूपा, अब कार्य रूप समझ में नहीं आती है बात एकदम, तो उसको ही समझा रहे हैं आगे। कहते पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात, कहते हैं पुनः पुनः, फिर ये जो अनित्य रूपा पृथ्वी है, कार्य कार्य रूपा अनित्य पृथ्वी है, कहते हैं त्रिविधा, तीन प्रकार की है ये, इसके तीन प्रकार से हम इसको देख जानते हैं अनित्य को। तो अनित्य कार्य रूपा पृथ्वी तीन प्रकार से समझ सकते हैं उसको, कैसे, कहते हैं शरीर इंद्रिय विषय भेदात। एक भाग इसका है कार्य रूप में शरीर, ये हमारा शरीर, सभी प्राणियों के शरीर, ये पार्थिव तत्व से ही बने हुए मुख्य रूप से, जल तो है परंतु मुख्य रूप से मुख्य भाग इसमें क्या है, पार्थिव तत्व है, पृथ्वी का अंश अधिक है। तो कहते हैं शरीर और इंद्रिय, जो इंद्रिय है हमारी पंच इंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या है ज्ञानेन्द्रिय हमारी, एक है रसना, इसको विस्तार से आगे समझेंगे इसी में, एक रसना, एक घ्राण, एक चक्षु और एक श्रोत्र और एक त्वक, ये क्या है इंद्रियां हैं, ठीक है। तो ये जो पांच इंद्रियां हैं प्राणियों की,
कहते हैं ये भी पृथ्वी का ही एक भेद है, ये पृथ्वी पार्थिव तत्व से ही बनी हुई है। और विषय, विषय का अर्थ है संसार की संपूर्ण वस्तुएं, माने ये जो पार्थिव वस्तुएं हैं, खाना पीना, घर, गाड़ी घोड़ा, ठीक है, घड़े कपड़े अपने आदि सारी क्या विषय हैं। रूप रस, ये खाने पीने, ये रूप रस गंध स्पर्श आदि को विषय रूप में कहते हैं। तो जो रूप आदि तो ये अलग उसका हो जाएगा, अग्नि आदि का हो जाएगा। तो विषय रूप में मुख्य रूप से जिन चीजों का हम उपभोग करते हैं वो विषय रूप हो गया, ठीक है। देखिएगा आप बता रहे हैं धीरे धीरे एक बार, शरीरम अस्मदादीनाम। अब कहते हैं शरीर का, कहते हैं अस्मदादीनाम माने हम सभी प्राणियों के जो शरीर हैं इनको शरीर कहा गया है। ये अनित्य पृथ्वी का एक भेद है। ये शरीर क्या है, बनता है बिगड़ जाता है, बनता है बिगड़ता है। तो ये अस्मदादीनाम का अर्थ है हम सभी प्राणियों के शरीर, वो शरीर का आया। इंद्रियम, इंद्रिय क्या है, गंधग्राहकम ग्राणम नासाग्रवर्ती। अब क्या देखिए, जो मुख्य रूप से पार्थिव इंद्रिय मानी गई है, पृथ्वी से बनी हुई मुख्य रूप से, तो कहते हैं गंधग्राहकम ग्राणम, घ्राण इंद्रिय ली गई है, ठीक है। पांचों इंद्रियां हैं तो पांचों के साथ उसका अपना अपना संबंध है। रसना का जल के साथ आएगा, ठीक है, स्पर्श का वायु के साथ आएगा, रूप का आंख के साथ आएगा, शब्द का श्रोत्र के साथ आएगा, और स्पर्श का त्वचा के साथ आएगा। तो कहते हैं गंध ग्राहकम घ्राणम, माने गंध को ग्रहण करने वाली जो घ्राणम, घ्राण घ्राण माने इस नासिका में जो एक इंद्रिय है, ये वाली नासिका वास्तव में इंद्रिय नहीं है, ये तो उस इंद्रिय को रहने का अधिष्ठान है, स्थान है, आधार है। तो ग्राणम नासाग्रवर्ती, और वो कहां रहती है, कहते हैं नासिका के यहां अग्रभाग पर रहती है, यहां पर वो शक्ति जो ग्राण ज्ञान इंद्रिय शक्ति है वो यहां रहती है नासिका के अग्रभाग, नासाग्रवर्ती, ठीक है। और कहते हैं विषयो मृत पाषाणादि, विषय क्या है, अनित्य पृथ्वी के, अनित्य पृथ्वी रूप में कहते हैं मृत पाषाण माने मिट्टी, पहाड़, पत्थर, पेड़, पौधे, नदियां, ये सारे क्या, नदी माने मिट्टी का जो भाग है, पानी का नहीं। तो मृत पाषाणादि ये क्या है, विषय रूप में, ठीक है। तो विषयो मृत पाषाणादि ही, पाषाण आदि माने और भी बहुत सारी आ जाएंगी, सारी आ जाएंगी। ये पुस्तक भी क्या है, ये पार्थिव तत्व ही तो है, ये क्या है पार्थिव, ये कैसा है, अनित्य पृथ्वी रूपा में है। इसको अभी पुस्तक बन गई है, इसको फिर थोड़े दिन बाद 50 साल चलेगी, 100 साल चलेगी, फिर कुछ बन जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, फिर इसका कुछ बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से विषय क्या है हमारा, तीन रूप में विषय मृत पाषाण आदि है जो भी उपभोग पदार्थ हैं, तो ये हैं हमारी अनित्या पृथ्वी और अनित्या कार्य रूपा पृथ्वी और नित्या परमाणु रूपा पृथ्वी, ठीक है। अभी आपको मोटा मोटा समझ में तो आ गया होगा, मोटा मोटा समझ में आ गया होगा, ये मोटा मोटा एक लक्षण दे दिया इन्होंने। अभी यहां पर एक मोटा लक्षण दे दिया, अभी
जो हमने पढ़े थे कि लक्षण ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर व्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव नाम के तीनों दोषों में से कोई दोष नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा लक्षण बनाना होता है नव्य न्याय में, ऐसा लक्षण वास्तव में ये नहीं है। अभी इस लक्षण में नव्य न्याय के लिए, नव्य न्याय के द्वारा कुछ इसमें परिशोधन किया जाएगा, थोड़ा लक्षण और अच्छा बनाया जाएगा, स्पष्ट, ठीक है। धीरे धीरे देखिए, अब धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा, मैं एकदम बहुत ज्यादा पढ़ा दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं भी आपको आराम आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चाहे एक बात बताऊं, परंतु एक बात जो बताऊं वो आपकी समझ में आ जाए तो मेरा पढ़ाने का परिश्रम है वो सफल हो रहा है। और मैं आपको 100 बातें पढ़ा दूं, आपकी समझ में एक भी बात ना आए तो मेरे पढ़ाने का परिश्रम पूरी तरह से निरर्थक है, व्यर्थ है, ठीक है। ऐसा परिश्रम नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। आज इतना हो गया, आपने ये समझ लिया मोटा मोटा कि पृथ्वी किसको बोलते हैं, पृथ्वी का लक्षण मोटा क्या है, गंधवती पृथ्वी, यानी गंध जहाँ पर होती है वो पृथ्वी होती है, ठीक है। और वो दो रूप में होती है, नित्या और अनित्या रूप में। नित्य परमाणु रूपा पृथ्वी है, यानी परमाणु रूप में जो पृथ्वी है वो कभी नष्ट नहीं होती, परमाणु हमेशा एक जैसे रहते हैं। परमाणु क्या है, किसको बोलते हैं, वो आगे की कक्षा में समझाया जाएगा, ठीक है। और अनित्या रूपा, यानी अनित्या जो कार्य रूपा पृथ्वी है, कार्य रूप में ये आपको बता ही दिया, ये सारा इन्होंने बताया। एक शरीर तीन विभागों में बांटती है, शरीर, इंद्रिय और ये विषय, पार्थिव विषय, ये इस रूप में, ठीक है। और ये बता दिया आपको गौरव, ये बता दिया इंद्रिय की, इंद्रिय का लक्षण भी बता दिया क्या है, इंद्रिय कौन सी इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय का, घ्राण इंद्रिय का लक्षण है गंध ग्राहकम, जो इंद्रिय गंध को ग्रहण करती है उसको घ्राण इंद्रिय कहते हैं, ठीक है। और वो उसका अधिष्ठान भी बता दिया, वो कहाँ रहती है, यहाँ रहती है नासिका के अग्रभाग में, घ्राण इंद्रिय, ठीक है। ये तो नासिका है, वास्तव में इसको नाक बोलते हैं, परंतु इसके अंदर सूंघने की शक्ति रूपी इंद्रिय है, उसको बोलते हैं घ्राण इंद्रिय, घ्राण शक्ति, वो यहाँ रहती है दर्शनकार, न्याय दर्शनकार के मतानुसार। और विषय आपको बता दिया मृत पाषाण आदि। आप देखिएगा, आज हमको एक बात याद आती है कि जब हमें आचार्य जी ने, हमारे गुरु जी ने हमें जब न्याय दर्शन पढ़ाया था, ये भी पढ़ाई थी, तर्क संग्रह नाम की पुस्तिका भी पढ़ाई थी छोटी सी, तब उन्होंने कहा कि जो न्याय दर्शन, जो प्राचीन न्याय है और जो नव्य न्याय है, उसमें अंतर क्या है, दोनों एक ही चीज को बताते हैं, दोनों का जो अंतिम तात्पर्य होता है वो एक ही निकल के आता है, एक ही सिद्धांत होता है, ना सिद्धांत नहीं है। जैसे नव्य व्याकरण और प्राचीन व्याकरण का दोनों के माध्यम से एक ही प्रकार के शब्दों की सिद्धि होती है, ऐसा नहीं कि नव्य न्याय कोई अलग शब्दों को सिद्ध कर रहा है, हो नव्य व्याकरण अलग शब्दों को सिद्ध कर रहा है और प्राचीन व्याकरण किसी अलग शब्दों को नहीं, दोनों व्याकरण उन्हीं शब्दों को सिद्ध करते हैं। ठीक इसी प्रकार से नव्य न्याय और प्राचीन न्याय भी एक ही सिद्धांत को अंततः बताते हैं। तो फिर भाई दो कैसे, उनका फायदा क्या है? तो एक बार गुरुजी ने हमको बताया कि ऐसा है, इसको मोटे मोटे रूप में ऐसा समझ सकते हैं कि जो नव्य न्याय है वो वकीलों की भाषा में है, बड़े वकीलों की भाषा, और जो प्राचीन न्याय है वो गांव देहात के सीधे लोगों की भाषा में, ठीक है। एक उदाहरण दिया था, आपके साथ शेयर कर देता हूं। गुरुजी ने कहा, आचार्य जी ने, कि भाई इसको ऐसे समझना चाहिए कि गांव का एक सेठ था, सीधा साधा आदमी था बेचारा, तो उससे कोई आदमी पैसे मांगने के लिए आया कि भाई सेठ जी थोड़े पैसे उधार दे दो, मैं आपको 10 दिन बाद दे दूंगा,
सेठ जी ने कहा ठीक है भाई, हम तो सेठ जी हैं ही, पैसा लेना देना तुम्हारा काम ही भाई, तुम्हारा तुम्हें जरूरत है तुम ले जाओ। तो कहा जी ठीक है, कितने पैसे चाहिए? तो उस समय में बहते हैं पुराने समय की बात है कि भाई हमको 1 रुपया दे दो। सेठ जी ने 1 रुपया दे दिया और समय भी पूछा भाई कितने दिन बाद, तो उसने कहा भाई 10 दिन में दे दूंगा। 10 दिन बीत गए, अब सेठ जी ने कहा भाई पैसे देने नहीं है। सेठ जी उसके पास में गए, सेठ जी ने कहा भाई पैसा? उसने कहा किसका पैसा? अरे भाई तुमने 1 रुपया हमारे से लिया था। वो आदमी कहने लगा क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुमको जानता ही नहीं हूं, भाई तुम मेरे पर झूठा आरोप कैसे लगा रहे हो कि मैंने तुमसे 1 रुपया लिया। सेठ जी तो चकरा गए, भाई ये तो बड़ी समस्या हो गई। लगा भाई लिया तो था तेने 1 रुपया। वो आदमी कहने लगा कोई प्रमाण है क्या, कोई लिखा पढ़ी है क्या? सेठ जी ने कहा भाई लिखा पढ़ी तो कुछ भी ना है, लोग आते हैं ले जाते हैं और फिर वापस कर जाते हैं, तू यार बड़ा वैसा आदमी है यार, कोई पैसा पैसा नहीं है भाई, हमने कुछ नहीं लिया। सेठ जी ने कहा अब तो भाई कुछ है ही नहीं, तो अब कोई प्रमाण ही नहीं है। ये उदाहरण है, ये असली बात नहीं है, ये समझाने के लिए है, ठीक है। तो सेठ जी ने कहा भाई अब तो क्या है रुपया एक। सेठ जी ने कहा ठीक है अब अगली बार ध्यान रखूंगा भाई। वो याद है फिर कुछ दिन बाद पहुंच गया कि भाई सेठ जी कुछ पैसे चाहिए। सेठ जी ने कहा ठीक है ले पैसे। तो सेठ जी ने कहा भाई पैसे तो दूंगा, पहले तू यहाँ पे लिख पहले साइन कर पहले, कल को तू नाट गया तो मैं क्या करूंगा, पहले भी तू नाट गया। तो उसने झट से साइन कर दिए, लाओ ठीक है साइन कर दिए। फिर वही समस्या, कुछ पैसे लिए उसने, फिर बोल दिया इतने दिन बाद, वो नहीं वो आया ही नहीं देने के लिए। सेठ जी फिर उसके घर पे गए, सेठ जी ने कहा पैसे? उन्होंने कहा किसके पैसे? भाई मेरे पैसे, तुम्हारे पैसे कैसे, कोई प्रमाण है क्या? उसने कहा हाँ है, तेरे साइन है। उस आदमी ने कहा भाई साइन तो कोई भी कर सकता है, साइन तो किसी के कोई भी कर सकता है भाई, भाई तेने मेरे कॉपी कर लिया, साइन क्या है भाई, कोई आदमी सामने था क्या जब मैं साइन कर रहा था और तेने पैसे दिए थे, तब कोई आदमी तीसरा था क्या जो कह सकता है कि भाई मैंने पैसे दिए? सेठ जी ने कहा ये तो बड़ा चक्कर फंस गया भाई उस समय तो कोई नहीं था, मैं और तू ही था। तो फिर सेठ जी उदास मन से फिर वापस लौट आए, अब की बार सोचने लगे ठीक है अब की बार ये आएगा ना तो अब की बार तो पक्का किसी को बुला ही लूंगा बुला ही लूंगा ठीक है। तो कहते हैं फिर अगली बार वो आया सेठ जी के पास पैसे, सेठ जी ठीक है दे देंगे। तो कहा भाई लाओ पैसे दे दो। नहीं भाई पहले एक आदमी को बुला के लाते हैं जो तेरे को भी जानता हो मेरे को भी जानता हो, और इस रजिस्टर पर साइन करवाऊंगा तेरे। उस आदमी ने कहा ठीक है बुला लाओ आदमी को। तो सेठ जी एक आदमी को बुला लाए जो उसको भी जानता था उसको भी जानता था, और कहा सेठ जी ने भाई आपके सामने इसको पैसे दे रहा हूं और ये तुम्हारे सामने साइन कर रहा है, इसने 2 बार पैसे मेरे मार लिए, ये नाट जाता है, ये बोलता कोई प्रमाण ही नहीं है। तो उस आदमी ने कहा ठीक है जी मैं तैयार हूं मैं गवाही दूंगा। तो कहते हैं सेठ जी ने उसको पैसे दे दिए। तो अगली बार सेठ जी गए तो उस आदमी ने सेठ जी ने कहा भाई पैसे, उसने कहा लो सेठ जी पैसे। अगली बार उसे मना नहीं किया
क्योंकि सेठ जी ने लिखा भी लिया था और एक गवाह भी रख लिया था। तो आचार्य जी कहते हैं कि ऐसा ही नव्य न्याय, जो सरल आदमी होता है, सामान्य आदमी होता है, उसको ये सारी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं होती। वो भाई ठीक है तेरे जरूरत है, ले जा पैसे भाई, और फिर सामने वाला दे देता है। और ये सरल भाषा में जो सिद्धांत हैं, ठीक है, वही प्राचीन व्याकरण के, वो प्राचीन न्याय के माध्यम से, और उसी को पक्का करके, कहीं कोई दोष नहीं रह जाए, गवाहों को खड़ा खर करके है? कोई भी दोष नहीं रह जाए, ऐसे जो लक्षण बनाए जाते हैं वो नव्य न्याय के द्वारा बनाए जाते हैं। नाट नहीं जाए कहीं पर भी, जो हम लक्षण बना रहे हैं उसमें कहीं थोड़ी मोड़ी त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, कहीं पर उसमें कमी नहीं निकलनी चाहिए, वो नाट नहीं जाए कहीं। नहीं, मैं तो नहीं भाई इसमें नहीं घटित होता, मैं तो उसमें घटित होता हूँ, वहां पर भी होता हूँ नहीं। तो ये ही नव्य न्याय काम करता है। तो प्राचीन के लिए तो हमने आपको पढ़ा दिया, अब आगे की कक्षाओं में, एक दो कक्षाओं में इसमें और गहराई से विचार करेंगे। अभी इतना लक्षण पर्याप्त नहीं है, गंधवती पृथ्वी, इतना कहने से, ये सरल भाषा में, मोटी भाषा में, परंतु अभी इसमें और ऐसा लक्षण बनाना है कि इसमें व्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष की गुंजाइश ही ना रहे। हो सकता है थोड़ा आपको बुद्धि पर भार आ सकता है, पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आएंगी सब बातें, समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिएगा, आज इतना ही करते हैं, आगे की कक्षा में मिलते हैं, आनंद लीजिएगा। सभी को सादर नमस्ते।